कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के द्वारा दिल्ली में आयोजित प्रोग्राम एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस चाहती तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। अय्यर ने बाबरी मस्जिद को गिराना संविधान की हत्या करार देते हुए कहा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उस दिन भारत के ईमान को भी शहीद कर दिया गया। अय्यर यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने सवाल किया कि 1992 में जो शर्मनाक वाकया हुआ उससे बुरा और क्या हो सकता था। अय्यर ने महात्मा गांधी की शहादत और बाबरी मस्जिद को गिराए जाने को एक जैसा बताते हुए कहा कि क्या मुसलमान इस देश में सुरक्षित रह सकते हैं। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि आप मंदिर बनाए हम खिलाफ नहीं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे जबकि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, किसको पता राम जी किस कमरे में पैदा हुए। आपको बताते चले कि अय्यर ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इस देश का पतन था, उस दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस से हूँ और हमने गलती की। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए जिसकी वजह से ये गलती हुई। कांग्रेस नेता ने इससे पहले कहा था कि राव के हिंदुत्ववादी मानसिकता ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। आगे उन्होंने कहा, मस्जिद तोड़कर भारत को विभाजित करने की दूसरी कोशिश की गई। बाबरी मस्जिद को टूटने से हिंदू मुस्लिम एकता टूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।